Hello everyone, I'm Anjali Adhana. In this video, I'm explaining about how to insert image, background color, border in Expression Web. This video is preparing on during of my Pure CSS industrial training in July 2020. So let's start. First of all, open Microsoft Expression Web, then site, choose new site. Choose empty site and browse. Make a new folder. Folder ko koi bhi naam de denge hum. Then open. Okay, yahan pe folder create ho chuka hai. Yahan pe hum ise right click karenge. Then new folder. फोल्डर को नाम देंगे इमेजेस. ओके, देन हम जाएंगे दिस पीसी के अंदर. यहाँ हमारी जो भी सेव पिक्चर्स के अंदर कुछ पिक्चर्स है वो हम ले लेंगे. सो यहाँ से इन्हें हम कॉपी करेंगे. देन जहाँ हमारा फोल्डर बनाया था उस फोल्डर के अंदर इसे हम पेस्ट कर देंगे. ओके, ये हमारी इमेजेस पेस्ट हो गई यहाँ पे. देन मिनिमाइज करेंगे इसे. ओके, अब हम साइट पे जाएंगे. न्यू साइट, ब्राउज पे करने के बाद जो हमारा फोल्डर था उसी में इसे हम ओपन कर लेंगे. देन ओके, अब इसे हम क्लोज कर देंगे. साइट में जाके सेकंड ऑप्शन है ओपन साइट. इसमें जो हमारी साइट थी उसे ओपन करेंगे. ये ओपन हो गया. यहाँ क्लिक करेंगे हम. ये हमारी इमेज शो होगी इसके अंदर. देन इसे अब हम क्लोज कर देंगे. क्लोज करने के बाद इसे हम रीओपन करेंगे. रीओपन होने के बाद ये देखिए यहाँ पे हमारी फाइल शो हो रही है, वो फोटो शो हो रहे हैं. देन फाइल सेव एज, ये हमारा होम पेज है, इसे हम home.html के नाम दे देंगे. देन सेव, ये हमारा home.html के नाम सेव हो गया है यहाँ पे. ओके, अब इस पेज के बॉटम में आते हैं. नीचे यहाँ पे तीन ऑप्शंस दिए हुए हैं, डिज़ाइन, स्प्लिट एंड कोड. सो कोड पे क्लिक करेंगे हम. यहाँ पे हम कोड टाइप करेंगे. ये पैराग्राफ इसके अंदर अपनी साइट पे जो कुछ है उसका नाम लिख लेंगे. ओके, देन डिज़ाइन ये देखिए यहाँ पे शो हो रहा है. इस एक्सप्रेशन वेब में हमें एक वो है एडवांटेज है कि इसमें कोडिंग अपने आप होती है. सो हमें कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है. इससे हमें पीछे की साइड जो हमारा कोड है उसमें अपने आप कोडिंग चलती रहती है. कुछ भी जो भी आप बना रहे साइट उससे रिलेटेड कुछ भी लिख सकते हैं इसमें. ओके, देन अब मैं आपको बताती हूँ इसमें फॉन्ट साइज, फॉन्ट कैसे चेंज करते हैं. सिलेक्ट, देन चूज फॉन्ट, देन डिफॉल्ट, यहाँ से कोई भी साइज ले लेंगे इसका हम. यहाँ से इसे बोल्ड कर सकते हैं या फिर इटैलिक कर सकते हैं. यहाँ से इसका हम फॉन्ट कलर चेंज कर लेंगे. फॉन्ट कलर चेंज करने के बाद
सेलेक्ट ऑल और यहाँ पे, या फिर इसमें काउंटिंग लगा सकते हो आप ये। ओके, होने के बाद अब हम जाएंगे ऊपर, देन यहाँ पे लिखेंगे मेन्यू अबाउट अस एंड देन कॉन्टैक्ट। ओके, इसमें हम हाइपरलिंक ऐड करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेन्यू में डालेंगे हम सेलेक्ट, देन चूज द सेकेंड ऑप्शन हाइपरलिंक के लिए। सो यहाँ पे जो हमारा ये होम पेज है इसको हम ओके कर लेंगे। इसका अंदर ये डल गया। अबाउट अस के अंदर जो भी आप बना रहे हैं उसका, जो भी साइट वेबसाइट बना रहे हैं उसका एड्रेस डाल देंगे। सो यहाँ होम पेज पढ़ने के बाद ये एड्रेस हो रहा है, ये मैंने डाल दिया इसमें। देन कॉन्टेक्ट अस में कोई भी ईमेल एड्रेस डाल सकते हैं। यहाँ से ईमेल एड्रेस, कोई भी ईमेल एड्रेस डाल दो, देन ओके। अब हम इसमें इमेज इंसर्ट करेंगे। सो क्लिक ऑन इमेज, देन राइट क्लिक, पेस्ट। ये देखिए यहाँ पे हमारी इमेज इंसर्ट हो गई है, बट इसका इमेज का साइज काफ़ी बड़ा है। सो डबल क्लिक, अपीयरेंसेस पे इसका साइज कम कर लेंगे, देन ओके। सेकेंड इमेज के साथ भी ऐसे करेंगे, देन राइट डबल क्लिक एंड साइज। ओके, ये इमेज का साइज कम हो गया। अब हम जाएंगे नीचे कोड पे। सो हम कोड पे क्लिक करेंगे, सो कोड पे हम यहाँ पे बॉडी पे जाएंगे। यहाँ पे हम टाइप करेंगे एक कोड, div स्पेस स्टाइल, div स्पेस स्टाइल्स इजिकल्स टू, इसके अंदर हमें विड्थ कम करनी है, सो विड्थ लिख देंगे इजिकल्स टू, जितनी कम करनी है आपको उतनी लिखते हैं, देन ओके। हमने यहाँ पे div स्टार्ट किया तो हमें एंड भी करना होगा, सो हम इसे यहाँ पे एंड करेंगे बॉडी से पहले div। ओके, ये हो गया। देन हम जाएंगे अब डिज़ाइन पे। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम इसमें बैकग्राउंड कलर बॉर्डर कैसे लगा सकते हैं। सो फॉर्मेट पे जाएंगे, देन न्यू स्टाइल, एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा यहाँ पे। इसमें हमें टाइप करना है div, देन चूज बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर चूज करेंगे हम यहाँ से, इसमें कोई बैकग्राउंड कलर लगा देंगे, देन ओके। अब हम जाएंगे बॉर्डर पे, बॉर्डर में ले लेंगे हम कुछ भी एंड देन यहाँ से बॉर्डर का कलर, देन क्लिक ऑन ओके। बॉर्डर का कलर लग चुका है, बैकग्राउंड कलर लग चुका है। इस टाइप से हम कोई भी वेबसाइट या कोई भी पेज क्रिएट कर सकते हैं एक्सप्रेशन वेब के अंदर।